एक्टर राजपाल यादव का घर हुआ सील। फेमस कॉमेडियन पर लगे गंभीर आरोप। क्या होगा बागे राजपाल यादव का? बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव अपने चुलबुले अंदाज से लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वे एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। राजपाल यादव पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बीते रविवार यानी 11 अगस्त को बैंक ने एक्टर की करोड़ों की प्रॉपर्टी सील कर दी है। बैंक ने कार्यवाही करते हुए पूरी प्रॉपर्टी को सील कर वहां बैंक का बोर्ड भी लगा दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो अफसरों ने हड़बड़ी में लापरवाही करते हुए बंद घर के अंदर कूलर चलता छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बैंक ने इतने बड़े एक्टर का घर सील किया? ऐसी कौन सी वजह छिपी है इसके पीछे और कौन से गंभीर आरोप राजपाल यादव पर लगे हैं? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। दरअसल राजपाल यादव साल 2012 की फिल्म अता पता लापता में नजर आए थे। इस फिल्म को उनकी पत्नी राधा यादव ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म में पैसे लगाने के लिए राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। समय के साथ लोन न चुकाने के चलते ये रकम 11 करोड़ रुपए हो गई, जिसे एक्टर नहीं चुका सके। लोन न चुका पाने पर रविवार यानी 11 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा स्थित ब्रांच के अफसरों ने कार्यवाही करते हुए यूपी के साजापुर के कचहरी ओवरब्रिज के पास सेट एनक्लेव में स्थित प्रॉपर्टी सील कर दी है, जो उन्होंने गारंटी के तौर पर रखी थी। गोपनीय तरीके से अफसरों ने कार्यवाही की और पूरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राजपाल यादव ने वो प्रॉपर्टी मार्बल विक्रेताओं को किराए पर दे रखी थी। अफसरों ने इतनी हड़बड़ी में से सीज किया कि प्रॉपर्टी के अंदर चल रहा कूलर तक ऑफ नहीं किया। अब राजपाल यादव की प्रॉपर्टी पर बैंक ने अपना बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड में लिखा गया है कि संपत्ति अब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, न तो इसे खरीदा जा सकता है और न ही बेचा। इसके अलावा बिजनेसमैन एमजी अग्रवाल ने राजपाल यादव पर साल 2012 में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। एमजी अग्रवाल का आरोप था कि राजपाल ने उनसे फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे। उनकी कंपनी मुरली प्रोजेक्ट का राजपाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हालांकि राजपाल यादव स्वतंत्र रूप से फिल्म रिलीज कर रहे थे। जब एमजी अग्रवाल ने अपने पैसे लौटाने को कहा तो राजपाल यादव ने उन्हें एक चेक दे दिया था, जो बाउंस हो गया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक चेक बाउंस होने के मामले में राजपाल यादव को साल 2018 में जेल भी जाना पड़ा था। वो करीब 3 महीने तक जेल में रहे थे। हालांकि अता पता लापता फिल्म 2 नवंबर 2012 को रिलीज हो गई थी। करोड़ों में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और महज 38 लाख रुपए ही कमा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।